अगर आप एक डॉग लवर है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य और हमारे डॉग वर्सेस डॉग की सीरीज में आज हम बात करेंगे डॉबरमैन वर्सेस अमेरिकन बुली के बारे में। दोस्तों, अब आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है डॉगपीडिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। डॉबरमैन को ओरिजिन जर्मनी से है। इन्हें 1890 में कार्ल डॉबरमैन ने ब्रीड किया था, जो कि एक टैक्स कलेक्टर थे। जब भी वो टैक्स कलेक्टर ने जाते थे, उन्हें हमेशा सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती थी ताकि उन्हें कोई लूट ना ले, तो उन्होंने डॉबरमैन को एज अ गार्ड डॉग ब्रीड किया। डॉबरमैन 6 डॉग ब्रीड का मिक्सचर है। वो है ग्रेहाउंड, जर्मन शेपर्ड, वेमार्नर, रॉटवाइलर, जर्मन पिंसर और मैनचेस्टर टेरियर। अमेरिकन बुली का ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है। इन्हें 1990 में आइडेंटिफाई किया गया था। अमेरिकन बुली को एज अ फैमिली कंपेनियन डॉग ब्रीड किया गया था। अमेरिकन पिटबुल टेरियर और अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर को अलग अलग टाइप के बुलडॉग्स के साथ ब्रीड किया गया, जैसे कि फ्रेंच बुलडॉग और इंग्लिश बुलडॉग। उसके बाद अमेरिकन बुली प्रोड्यूस हुआ। अब हम बात करते हैं इन दोनों में से अच्छा फैमिली डॉग कौन सा है। दोस्तों, डॉबरमैन के बारे में सब जानते हैं कि वो अपनी फैमिली के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव और लॉयल होते हैं और ये अच्छे फैमिली डॉग भी बन सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स के लिए उतने तो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन कुछ फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स इन्हें ले भी सकते हैं अगर इनको अच्छे से टाइम दे सके तो। अमेरिकन बुली को एज अ फैमिली कंपेनियन डॉग ही ब्रीड किया गया था। कई लोग इनको देख के पिटबुल समझ लेते हैं और समझते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक और एग्रेसिव होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत ही अच्छे फैमिली डॉग बन सकते हैं और छोटे बच्चों के साथ भी इजीली घुल मिल सकते हैं। अगर आप स्मॉल साइज़ का एक अच्छा फैमिली डॉग लेना चाहते हैं तो पॉकेट बुली आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इन दोनों की हाइट की बात करें तो डॉबरमैन लार्ज साइज़ की डॉग ब्रीड है और इनमें मेल्स की हाइट 25 इंचेस से लेकर 28 इंचेस तक ग्रो कर सकती है और फीमेल्स की एवरेज हाइट 24 से लेकर 27 इंचेस तक। अमेरिकन बुली में सबसे बड़े होते हैं अमेरिकन बुली एक्सेल। बुली एक्सेल में मेल्स की एवरेज हाइट 20 से लेकर 23 इंचेस तक है और फीमेल्स की एवरेज हाइट 90 से लेकर 22 इंचेस तक है। अब बात करते हैं इनके अडेप्टिबिलिटी के बारे में। डॉबरमैन को ठंडे वेदर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता, क्योंकि इनका शॉर्ट कोट होता है और इसीलिए इन्हें ठंडे वेदर में अच्छा नहीं लगता। इन्हें आप हल्के गर्म वेदर में रख सकते हैं, लेकिन अगर बाहर कुछ ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो इन्हें घर के अंदर ही रखना अच्छा होगा। अमेरिकन बुली को भी डॉबरमैन की तरह ज़्यादा ठंडे वेदर में नहीं रखा जा सकता। आप इन्हें नॉर्मल वेदर कंडीशंस में इजीली रख सकते हैं। अमेरिकन बुली की ब्रीड को आप स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज़ के घरों में भी इजीली रख सकते हैं, क्योंकि ये मीडियम साइज़ के होते हैं और इजीली फिट हो जाते हैं। जबकि डॉबरमैन को रखने के लिए आपको एक मीडियम और लार्ज साइज़ का घर चाहिए होगा और उसके साथ टेरेस या फिर बैकयार्ड भी होना चाहिए जहाँ पर ये फ्रीली घूम सके, क्योंकि ये लार्ज साइज़ की डॉग ब्रीड है और इनको थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। इन दोनों डॉग्स के एनर्जी लेवल की बात करें तो अमेरिकन बुली डॉबरमैन की तरह उतनी एनर्जेटिक तो नहीं है, लेकिन हाँ, इन्हें फिट रखने के लिए हर रोज इनको वॉक के लिए लेके जाना पड़ता है और बहुत सी फिजिकल एक्सरसाइज भी करवानी पड़ती है। लेकिन डॉबरमैन बहुत ही एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है और उन्हें हर रोज़ कम से कम 3 बार वॉक के लिए लेके जाना पड़ता है और कम से कम 30 मिनट की फिजिकल एक्सरसाइज करवानी ही चाहिए। अब बात करते हैं ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन के बारे में। दोस्तों, अमेरिकन बुली की ब्रीड को एज अ फैमिली कंपेनियन डॉग ब्रीड किया गया था और ये लोगों के साथ इजीली घुल मिल सकते हैं, लेकिन सभी डॉग ब्रीड की तरह इन्हें भी बचपन से सोशलाइजेशन की ज़रूरत होती है और सेम डॉबरमैन के ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि उनको बहुत ही एग्रेसिव डॉग ब्रीड माना जाता है और उन्हें अगर अच्छे से सोशलाइज ना किया जाए तो वो एग्रेसिव डॉग ब्रीड बन भी सकते हैं। आप इन्हें बचपन से ही दूसरे डॉग्स के साथ, ह्यूमंस के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर मिलवाएं ताकि ये उनको अच्छे से जान पहचान ले। ट्रेनिंग की बात करें तो अमेरिकन बुली को डॉबरमैन के मुकाबले ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा ट्रेन करने के लिए। इन्हें आप बेसिक ट्रेनिंग दे सकते हैं जो ये इजीली सीख भी जाएंगे। और डॉबरमैन की बात करें तो वो 5th मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है और वो इजीली बहुत से कामों के लिए ट्रेन भी हो सकते हैं, जिस वजह से इनको सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस, पुलिस वर्क और मिलिट्री वर्क जैसे कामों के लिए भी यूज़ किया जाता है।
अमेरिकन बुली की एवरेज लाइफ स्पैन 8 to 13 ईयर्स तक हो सकती है और डॉबरमैन की एवरेज लाइफ स्पैन 10 to 14 ईयर्स तक हो सकती है और कुछ डॉबरमैन ज़्यादा भी जी सकते हैं अगर आप उनके अच्छे से केयर करें। इनके प्राइस की बात करें तो अमेरिकन बुली की प्राइस इंडिया में 25,000 रुपीज़ से लेकर 40,000 रुपीज़ तक हो सकती है और डॉबरमैन की प्राइस 15,000 रुपीज़ से लेकर 22,000 रुपीज़ तक हो सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड डॉबरमैन वर्सेस अमेरिकन बुली के बारे में। और डॉग वर्सेस डॉग एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो पे। जय हिंद।